मैं हनुमान जांदू उपाध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा। आज जो हमारा महाकुंभ का आयोजन जयपुर में विद्याधरनगर स्टेडियम में किया गया है, उसका उद्देश्य हमारे समाज में संगठित होके जो भी राजनीतिक सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के मकसद से आज बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब के तौर पे यहाँ पूरे प्रदेश से हमारे किसान के बुजुर्ग नौजवान युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और हमारा उद्देश्य यह है कि इस महाकुंभ के उद्देश्य से जो ओबीसी के आरक्षण में जो कुरीतियां हैं जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके सरकार से दूर कराएंगे। जितना हमारे जातिगत आधार पर जो जनगणना कराने का हमारा उद्देश्य है, सरकार से आग्रह करेंगे कि हर समाज की जातिगत आधार पर जनगणना करके उनको उनके कोटे के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। और जो भी सामाजिक रूप में जो कुरीतियां हैं, दहेज की प्रथा, बाल युवा बालिका शिक्षा पे विचार करके इनका समाज की जाजिम पर बैठ के हम इनका सर्वसम्मति से समाधान कराएंगे। इस उद्देश्य के लिए आज समाज ने मतलब महाकुंभ का आयोजन किया है और ये बड़े सफलतापूर्वक और अनुशासन में बड़े शांतिपूर्वक से सफल होने जा रहा है। और इस महाकुंभ में जनसैलाब 8-10 लाख की जनसंख्या में यहाँ पूरे प्रदेश से पधारे हैं। इसके लिए मैं हमारे समाज के जो भी गणमान्य युवा और नौजवानों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस अभियान को इन्होंने सफल बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जाट बलवान, राम राम सा।